युद्ध में कांग्रेस के योद्धाओं ने महाराज के गढ़ को गिराने के लिए महाभारत का शंखनाद कर दिया। प्रियंका ने सीधे महाराज पर सीधा निशाना साधते हुए उनकी पार्टी और सरकारों को घेरने की कोशिश की। दिखाते हैं पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को चुनौती दी। जनाक्रोश रैली में प्रधानमंत्री मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आजकल भौकाल की राजनीति चल रही है, शानो शौकत राजनीति पर हावी है, जबकि जरूरत है कि यहां वहां के मुद्दों पर बात करने की बजाय मूलभूत मुद्दों पर बात की जाए। मध्य प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, यहां सत्ता का अहंकार है। उन्होंने कहा कि कैसे सिंधिया की विचारधारा बदली, मैं इस पर बोलने की बजाय मूल समस्याओं पर बात करूंगी। प्रियंका ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसान कर्ज माफी, सस्ती बिजली समेत पार्टी की 5 गारंटी का वादा दोहराया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। इधर बीजेपी ने प्रियंका को पोस्टर्स लगाकर सूबे की खुशहाली बताने की कोशिश की। ग्वालियर में लगे पोस्टर्स में लिखा गया कि प्रियंका मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं, जहां 45 लाख लाडली लक्ष्मी हैं, लाडली बहना को 1000 रुपए मिल रहे हैं, किसानों को कर्ज माफी का झांसा नहीं, ऋण ब्याज माफी का पैसा सरकार दे रही है, सबसे ज्यादा गरीबी घटी, विकास दर 19.76% है, बेरोजगारी भत्ता का झांसा नहीं बल्कि सीखो कमाओ योजना है, योजनाएं बंद नहीं बेहतर हो रही हैं। आप भी मुस्कुराइए और आपके साथ मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस के नेताओं को भी मुस्कुराने को कहिए। मुस्कुराइए इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटाधार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी ना बिजली ना सड़कें, और सवा साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए, कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक नकारात्मकता का माहौल, नकारात्मक राजनीति का परिदृश्य स्थापित कर रखा है, उसके ऊपर से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग सुचिता की राजनीति करते हैं। मैं यहाँ आई हूँ तो मोदी जी, शिवराज या तमाम उनके नेताओं के बारे में 10-10 मिनट बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ये करने नहीं आई हूँ। मैं सकारात्मक राजनीति की पक्षधर हूँ। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक कांग्रेस ने हमेशा सकारात्मक पहलू पे राजनीति की है। कांग्रेस के ग्वालियर चंबल पर फोकस की खास वजह है, पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव हो या 2020 का उपचुनाव या फिर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, इन सभी में कांग्रेस उम्मीदवार को जमकर जीत मिली है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल के 8 जिलों की कुल 34 सीटों में 26 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 7 और बसपा को 1 सीट मिली थी। सिर्फ चंबल संभाग के 3 जिलों की 13 सीटों में 10 कांग्रेस के खाते में आई थी। ग्वालियर में 57 साल बाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगाई और यहां अपना मेयर बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसके लिए खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी इस डिबेट का हिस्सा है। आनंद तारण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रेम व्यास जी आप ही से करते हैं। जिस तरह से आज प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची, संबोधन उनका हुआ, कई बड़ी बातें उन्होंने कही और कांग्रेस की 5 गारंटी को भी दोहराया, क्या लगता है कितनी मजबूती कांग्रेस को प्रियंका गांधी के इस दौरे से मिलेगी? पूर्व में भी जैसे हमारे बड़े नेता कह चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पे, वे आए और मुस्कुराए। और जैसा उन्होंने पहले जहां जहां भी घोषणाएं करी, मैं पूछना चाहूंगा क्या वो घोषणाएं उन्होंने वहां पर पूर्ण करी? और 2018 में जो राहुल जी घोषणा करके गए थे, बेरोजगारी भत्ता, बिजली माफी, लाडली लक्ष्मी, किसान निधि, क्या ये सब योजना उन्होंने पूर्ण करी थी 1.5 साल में या प्रयास करा था? माफी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। दूसरा, जो शिवराज जी ने योजनाएं चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना, एक करोड़ 25 लाख लाडली बहनों का परिवार हो चुका, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लेके आए, ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी योजना जिसका लाभ भिंड की, चंबल क्षेत्र की, ग्वालियर की, मुरैना की माताएं बहने, किसान, मत्स्य पालक, पशुपालक, ये सब लोग ले रहे हैं। मत्स्य पालक और पशुपालकों के लिए भी क्रेडिट कार्ड हमने करे, 5 लाख लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं। तो हमने तो विकास की राजनीति करी है। दूसरा, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी बड़ा नेता आए उसका स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पे। मध्य प्रदेश की जनता को पता है उनको क्या करना है, और भिंड बेसिकली भिंड की जनता तो बहुत ही आत्मसम्मान से परिपूर्ण होती है, तो तय कर लेगी कि किसने विकास किया है, किसके साथ जाना है, नहीं जाना। ठीक है, कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। आनंद तारण जी, जिस तरह से डॉक्टर प्रेम व्यास कह रहे हैं कि जनता बहुत समझदार है, वो तय कर लेती है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? अच्छी बात है ना जी, जब मान लिया कि जनता तय कर लेती है किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना, तो स्वागत ही होगा। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से थक चुकी है, और 18 साल के शासन के बाद भी अगर ये घोषणाएं कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हमने ये कहा जी, हम जी ये करा, अरे उत्तर इसका मतलब ये कितने डरे हुए, सहमे हुए, इस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे दिग्विजय सिंह जी ने तो जो आयाम स्थापित किए थे वो आज तक ना आगे आने वाले समय में आप लोग कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो शांति का टापू बना के रखा था और उसको भरपूर तरीके से लोग आराम से विचरण कर रहे थे, लेकिन आज तो चारों तरफ अराजकता का माहौल है, वो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आज अगर जिसको जो करना है वो सब कर रहा है, आज जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है, मतलब। और दूसरा ये बार बार बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं 45 लाख, ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं 1 करोड़ 25 लाख, पहले आपस में ही समंजस कर लें कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, संगठन क्या कह रहा है, ये सब लाडली लक्ष्मी का स्टेटमेंट तो यही है। हाँ सुन ले, आपने जो बोला उसी की बात कर रहे हैं, जो आपके मुख्यमंत्री ने बोला उसी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है पूरी जनता ने देख लिया है, बातें कर रहे हैं कि हमने इस वर्ग के लिए, अरे आज बेटियों के साथ रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही मध्य प्रदेश में, मैं हूं ना, कहां है तुम? अरे भाई मुख्यमंत्री कहां हो, कितने आपने कठोर कानून बना दिए कि भाई हम तो मृत्यु दंड देंगे, फांसी पे लटका देंगे, कितनों को लटकाया एक आध बता दें आपके, आपने जिस दिन से आपने 3-4 साल 5 साल 6 साल में कितने लोगों को फांसी पे लटका दिया? मैंने क्या बोला कि फांसी पे कितने लोग गए, कितने लोगों को सजा मिली? आपने बोल दिया आप झूठ बोलने में माहिर हो, धर्म के नाम पर जो सत्ता में आए आज इस तरह से महाकाल के साथ किस तरह से बर्ताव किया, जब जो हमारा कुंभ भरता उसका जो घोटाला उसकी आज तक जांच नहीं हो पाई, महाकाल की बोला कि भैया हम उसकी जांच करेंगे, अरे 870 करोड़ का घोटाला, किस तरह की बात करे, धर्म के नाम पर घोटाला, तो ये जब धर्म के नाम पर घोटाला कर सकते हैं, धार्मिक स्थानों के नाम पर भी घोटाला कर सकते हैं, तो आम जनता के साथ इनका क्या व्यवहार होगा, ये तो सोचने वाली बात है। आज मध्य प्रदेश की जनता इनसे उकता चुकी है, क्योंकि ये केवल और केवल अहंकार में डूबी भाजपा की सरकार है, बातें बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं, बातों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, केवल और केवल लोगों को केवल और केवल शब्दों के मायाजाल में उलझा के रखा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता इन्हें समझ चुकी है। मैं आपके चैनल पर कई बार बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 60 सीटें मिलेंगी, उसमें आप 10% प्लस कर लें या 10% माइनस कर लें, इससे ज्यादा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं मिलने वाली। ठीक है, चलिए वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी का भी हम रुख कर लेंगे। पंकज जी, आज प्रियंका गांधी का दौरा ग्वालियर में, क्या लगता है कि जिस संदेश के साथ वो यहाँ पर अपनी बात रखना चाहती थी उसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो पाई है कोई मैसेज देने के लिए? देखिए ऐसा है, कांग्रेस का जो प्रोग्राम था ग्वालियर में जी, उसमें जो कांग्रेस ने संदेश देना चाहा वो तो
प्रियंका गांधी के माध्यम से, उनके भाषण के माध्यम से कांग्रेस ने दे दिया जी। तो कांग्रेस ने जो भीड़ जुटाई, जो क्राउड था प्रियंका गांधी की सभा में जी, वो नो डाउट की मतलब प्रियंका गांधी ने जी अपनी जो बात जनता तक पहुंचानी चाहिए वो पहुंच गई। ठीक जी। रही बात बीजेपी के लंबे शासन के बाद जी जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो विरोध आया है लंबे समय शासन करने के बाद जी, तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही है। और बीजेपी इसीलिए बैक फुट पे है। और चंबल और ग्वालियर में तो जी एक तरीके से जो प्रियंका गांधी की सभा में जो पब्लिक थी जी, जो क्राउड था, तो वो पहले तो 2018 के चुनाव में सिंधिया अभी मान रहे थे कि सिंधिया जी की वजह से इतनी सीटें आई हैं जी, लेकिन जो भरपाई कांग्रेस ने बहुत जल्दी कर ली जी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जी, तो इसमें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं चंबल और ग्वालियर में तो सफल रही है जी, सफल रही है जी। और रही विकास की बात, तो विकास बिजली पानी और सड़क जी, ये तो सरकार का दायित्व है, चाहे किसी भी कोई भी सरकार हो, जब जनता टैक्स देगी जी, जब आम आदमी जो उसका टैक्स दे रहा है तो आप बिजली पानी और सड़क तो देना पड़ेगा जी, तो ये तो सरकार का दायित्व बनता है। रही बात लाडली लक्ष्मी योजना की जी, और लाडली बहना योजना की, तो चूंकि बीजेपी की सरकार है, इन्होंने घोषणा की और इन्होंने उसको बहुत जल्दी अमल कर लिया, क्योंकि सरकार बीजेपी की है जी। लेकिन कांग्रेस ने भी उसी के अगेंस्ट 1500 रुपए की घोषणा की है। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है, केंद्र में भी नहीं है जी, तो इनको सरकार आने का इंतजार है, तब वो अपनी योजनाओं को सफल करने में जो है कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे जी। ठीक है ना, तो अब बीजेपी की चूंकि सरकार है, वो घोषणा कर रहे हैं, वो उस पर अमल कर रहे हैं जी। कुछ पुलिस कर्मचारियों का भी कहना था जी, बीच में मैं कहीं ना कहीं खबर देख रहा था, वो पुलिस कर्मचारियों का कहना था कि ये जो महंगाई भत्ता दिया है वो 6 महीने पहले भी दे सकते, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को लेकर के कर्मचारी और जो ग्रामीण जो जनता है। अब लाडली बहना योजना में ये हो गया कि किसी को पैसे मिल पाए और कुछ परसेंटेज ऐसा रहा, वो थोड़ा सा परसेंटेज है जिनको नहीं मिल पाए जी, तो उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है ना, तो जब काम होगा तो आक्रोश तो होगा। रही बात दिग्विजय सिंह बंटाधार की बात, तो दिग्विजय सिंह के समय उस समय जो है सरकार पे कर्जा कितना था, 25,000 करोड़ लगभग समथिंग, और आज है 3,25,000 करोड़ रुपए जी। ठीक है ना जी, तो जरूर आप मुस्कुरा सकते हैं, उस समय आप मुस्कुरा रहे थे तो आज भी मुस्कुरा सकते हैं, 3,25,000 करोड़ मतलब आप भी एवरेज में कहीं ना कहीं 50-55 हजार करोड़ रुपए पर व्यक्ति मध्य प्रदेश में कर्जे में है जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप मुस्कुरा सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं है जी, है ना जी। ये बहुत सारी चीजें हैं जी, सत्ता को चूंकि जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जी, विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस तो मुद्दे उठाएगी जनहित को देखते हुए, जो उसको समझ में आएगा। अपराध जी, एक लड़की की हत्या हो जाती है, कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जी। देखिए आप, ये हालांकि विषय इसका नहीं है, लेकिन मणिपुर का जो वीडियो सामने आया है, भले वो पुराना है जी, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है जी, देश में हिंदुस्तान में है मणिपुर जी, इतनी शर्मनाक घटना के बाद अगर जो है अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो पाए, बिल्कुल मतलब एकदम कड़ी कार्रवाई जी, बिल्कुल कैसे काम चलेगा, आप जी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो जिसकी सरकार होती है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि बात जनता के हितों की है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, निश्चित तौर पर ये बात तो सही कि जो विपक्ष है वो तो भरपूर मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगा, लेकिन सरकार किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। देखिए संपूर्ण विकास की अगर बात करें तो आज मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% जो 2003 में 4% थी, अगर उस समय कर्जा उस तरह का था तो आज बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई है, और ये एक ट्रेंड के तहत होता है, जब आप विकास जी तो आपको विकास के लिए योजनाओं के लिए पैसा रखता है, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे 11 लाख डिफॉल्टर किसानों
एक योजना लाके उनका ऋण ऋण माफ नहीं करा, उसका ब्याज माफ कराया। बहुत सारी योजना है और विकास दर में जब हम श्रेष्ठ तीसरे पोजिशन पे गेहूं वाले 38% गेहूं के साथ हम पूरे प्रदेश में 16 से 17 कृषि कमांड अवार्ड हमको मिल चुके हैं। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं की जहाँ हम काम नहीं कर रहे। ठीक जी अनंत आरण जी, बीजेपी का कहना है कि हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर विकास का काम छूटा हो, लेकिन कांग्रेस फिर इसे मानने को तैयार क्यों नहीं है? अरे भाई, अगर विकास का काम कर रहे होते तो क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश में आने की? क्या जरूरत थी नड्डा जी को मध्य प्रदेश में आने की? क्या जरूरत थी आदरणीय गृह मंत्री जी को बार बार चक्कर लगाने की? अगर इनके सब नेता, और आज फिर चेहरा किसका सामने रख दिया? नरेंद्र मोदी का। इस तरह नाकारा निकम्मी भाजपा की शिवराज सरकार इस तरह की बातें करती है, किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे भाई, आपने कुछ काम किया होता तो धरातल पे आता। काम आपने नहीं किया, केवल झूठे वादे आश्वासन के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। 4,000 करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाद दिया। दिग्विजय सिंह जी की सरकार के टाइम पर 20,000 करोड़ का केवल कर्जा था मध्य प्रदेश से, आज 4,00,000 करोड़ मतलब खाने पीने के अलावा इनके पास 3% कुछ नहीं है। इनके पास चारों तरफ जी लगता है। जी आऊंगा प्रेम विजय, आऊंगा आपके पास। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आपके मन में चोर है, इसलिए आप बार में बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि कड़वी बात सुन नहीं सकते, विपक्ष को सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। आनंद जी आपकी बात सुनिए। जी जी सही कर रहा हूँ ना, आपको सही कर रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं रोक रहा हूँ, आप बोलिए। ठीक है, आप मेरे आऊंगा आपके पास प्रेम जी। कड़वी बातें सुनना नहीं चाहते? अरे भाई, हम विपक्ष हैं, हम आपको आईना दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप आईना देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपका अहंकार में, आपका मन तो खुद बोल रहा है, आपका मन तो खुद दुखी है कि हमारी सरकार सही में गलत काम कर रही, लेकिन आपके सामने लक्ष्मण ने कहा, आप बोल नहीं पा रहे। जो भाजपा के ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता उनके साथ किस तरह से दुहन हो रहा है, उनकी तो उनका केवल और केवल खून निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी। जो गद्दार है उनको आज सिर पर चढ़ा लिया। निश्चित रूप से आज जो समस्या है, वो जो ईमानदार कार्यकर्ता है वो भी चाहते हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो भी चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो कम से कम अच्छे काम हम लोगों के सबके होंगे, क्योंकि आज तो जो काम भाजपा में हो रहे हैं जी, वो 50% कमीशन के हो रहे हैं, 50% कमीशन के अलावा कोई काम नहीं है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। प्रियंका जी ने जो बातें बोली, उन्होंने बोला मैं 30 मिनट में ये भी बोल सकती थी, लेकिन मैं ये सब बात नहीं बोल रही, मैं केवल अपनी बात करूंगी, विकास की बात करूंगी। जो कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट दी थी, उसको बढ़ाकर हमने 150 यूनिट फ्री की है, अगले जो 50 यूनिट है उस पर 50% हम चार्ज लेंगे। ये हमने जो घोषणा की थी किसानों का कर्जा माफ की, वो घोषणा की थी। अगर हमने कर्मचारियों को पेंशन की बात की थी तो उसको पूरा करेंगे। तो हमने जो जो वायदा किए हैं वो हम पूरा करेंगे। अगर विद्यार्थियों की बात है उनको पूरा करेंगे, और जनता को कांग्रेस पे विश्वास है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो बोला था वो करके दिखाया। उन्होंने अगर 55 लाख किसानों के कर्जे की माफी की बात की थी तो 1 घंटे के अंदर उन्होंने जाकर बल्लभवन में शपथ लेने के बाद तुरंत जाकर उस फाइल पे साइन किए थे। स्टेटमेंट में 30 लाख है भैया, ओखला गई थी प्रदेश जी ने केंद्र की सरकार तो, और उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से सरकार कराई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम कमलनाथ जी 5 साल पूरे करते हैं तो भाजपा की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार डगमगा जाएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सहित केंद्र से भी चलाचली की बेला है। जवाब ले आज केंद्र का जी, देखिए केंद्र की सरकार भी डमाडोल स्थिति में, क्योंकि जिस तरह से जो इंडिया की संरचना हुई है, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के समक्ष जवाब ले लेते हैं जी। डॉक्टर डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जवाब दें आरोपों पर आपकी प्रतिक्रिया जी, जवाब दें। मणिपुर की घटना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, जे परिहर रघुवीर ही भजे भजे जे संत। हम तो उसी तरह आगे बढ़ते हैं और इसी वाक्य पे आगे बढ़ते हैं। किसानों की ये जो बात कर रहे हैं और लगातार बोले जा रहे हैं, मैं इनको बताता हूँ कि पास हाउस पावर का कनेक्शन लेने के लिए किसान को 51,000 रुपए देने पड़ते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको 3500 रुपए का संरक्षित करा। 100 यूनिट का आप बोलते हो तो 100 यूनिट के बाहर आप कितना पैसा लेते हैं? दूसरा, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता थी क्या? आम आदमी और उपभोक्ता के मध्य में 1500 वाट से ज्यादा का अंतर था। 2003 में मात्र 3,000-3,500 के आसपास बिजली उत्पादित होती थी, आज 28,000 हो रही है और ये सबके सामने है। आपने 2004 में जब केंद्र में आपकी शासन था, आप केंद्र में सत्ता में थे, तब आपने गैस की टंकी के भाव क्या करे थे? 400 रुपए को बढ़ा के आपने 850 करे थे। हमने अभी 82 लाख कनेक्शन दे चुके हैं, अब आप उसके लिए कह रहे हो कि हम फ्री देंगे? जब 400 रुपए से आप 800 रुपए में पहले ले जा ही चुके थे तो फ्री कहां से देंगे? आपकी योजना में दूसरा, हमारे प्रदेश के बड़े नेता, हमारे देश के बड़े नेता यहाँ पर आते हैं क्योंकि हमने कार्य किया है, उनको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी प्रियंका जी, राहुल जी आए हैं,
क्योंकि पूर्व घोषणा राहुल जी ने करी थी, उन्होंने कहा था 10 दिन में अगर घोषणाएं हमारी पूर्ण नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। जी ठीक है आनंद जी, जवाब दे जी आनंद जी। भारतीय जनता पार्टी की जला जली की वेला है, घरेलू आंसू वाहन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे भाई आपकी सरकार की हमने रेट कहीं बढ़ा तो आप कम कर देते, तो आपने डीजल पेट्रोल के रेट कम करे क्या? आज क्या क्या रेट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आज किस तरह से लूट रहे हैं आप जनता को, किस तरह से जनता की जेबों को खाली कर रहे हैं डीजल पेट्रोल के नाम पर। कांग्रेस की सरकार थी, अगर रेट कम होते थे तो कम होते थे, अगर रेट बढ़ते थे तो बढ़ते थे। आप तो घरेलू आंसू बहाते थे कि साहब हमारी सरकार टंकी का पूछ रहा हूँ, 400 रुपए था टंकी का रेट, आप पता करिए 2003 में, 2008 के बाद पता करिए। नोटों का अमूल्यन हो रहा, कहाँ है काला धन, कहाँ है काला धन, कहाँ है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज भदौरिया जी से भी हम रुक कर लेंगे। पंकज जी, प्रियंका गांधी ने जो तमाम बातें कही एक बार फिर से 5 गारंटी को दोहराया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे क्रियान्वित करना क्या कांग्रेस के लिए आसान हो सकता है अगर सत्ता में पार्टी आती है, या फिर ये भी जो तमाम संबोधन की बातें हैं वो सिर्फ एक चुनावी शिगुफा नजर आती हैं? देखिए ऐसा है जी, 5 गारंटी प्रियंका गांधी ने ली है, पहले कर्नाटक में जो गारंटियां ली हैं जी, ठीक है ना, तो अभी वो भी पूरी नहीं हो पाई है, जैसे भी कुछ गारंटियां छूट गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोलते जाएं, उसके लिए एक सरकार का बजट होता है बिल्कुल, और बजट से तय किया जाता है कि हम क्या जनता को दे पाएंगे क्या नहीं दे पाएंगे। जी। रही बड़े नेताओं के आने की बात जी, तो वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो जी, प्रधानमंत्री एक बार नहीं 4 बार आए, ठीक है ना, सोनिया गांधी एक बार नहीं 4 बार आए जी, और सरकार आने और जाने की बात है, तो जनता खुद देख के निर्णय ले लेती है कि हमें वोट किसको देना है। लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी, यहाँ तो पब्लिक खुद निर्णय ले लेती है कि हमें वोट किसको देना है जी। तो स्वाभाविक की बात है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो जनता को बीजेपी की सरकार पसंद नहीं आई, उन्होंने कांग्रेस जी को दे दिया जी। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई 15 महीने में जी, किसी कारणवश जी कांग्रेस की सरकार गिर गई जी। स्वाभाविक की बात है कि ये तो एक लोकतंत्र है, जनता वोट डाल के जी ये साबित कर देती है कि हम ताकतवर हैं जी। अब आप सरकार में बैठने के बाद जी उस जनता के साथ क्या करते हैं वो तो सरकार के नुमाइंदों पे जी, नुमाइंदों पे जो है उसकी जिम्मेदारी उस पे आती है जी। प्रियंका गांधी ने जो 5 गारंटी ली है जी, तो उनकी सरकार आएगी तो वो कैसे पूरी करते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है जी, ठीक है ना जी। लेकिन ऐसे कोई गारंटी लेना वो तो सरकार का बजट तय करेगा ना कि वो जो है वो गारंटी को पूरा कर पाते हैं या नहीं जी, इससे तय करता है बजट पे तय जी बिल्कुल। आनंद जी, घोषणाएं करना तो आम बात है लेकिन धरातल पर उतारना दूसरी बात है। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार पंकज भदौरिया भी कह रहे हैं कि 5 गारंटी का ऐलान तो आपने कर दिया है, लेकिन इसके लिए किस तरह का प्लान पार्टी ने बनाया है कि जमीनी स्तर पर जिसे जब इसे क्रियान्वित किया जाए तो प्रदेश पर किसी तरह का भार ना आए जो कि पहले से ही बना हुआ है। आनंद जी देखिए जी, आपने देखा हो कमलनाथ जी ने तो घोषणा की थी, उन्होंने लगातार उन्होंने पूरा करा और हर दिन घोषणा पर काम कर रहे थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार घबरा गई थी और उन्होंने खतरनाक तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से किस तरह से सिंधिया को दबाया, किस तरह से उनके माइनर स्पाइन को पकड़ा और सरकार को खरीद फरोख्त में फंसा दिया और विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई। ये जिस तरह की जो बातें आज मध्य प्रदेश की जनता उतावली है भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने के लिए, क्यों उतावली है? उसने जनादेश दिया था कांग्रेस को और कांग्रेस को जनादेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उस जनादेश को छिन्न भिन्न करके अपनी सरकार जी। निश्चित रूप से जो आज विकास होने चाहिए या कमलनाथ जी का जो 40 साल का लंबा राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव है उसका जो फायदा उठाने चाहिए जनता को वो नहीं मिल पाया और नहीं आज फिर उताब लिए मध्य प्रदेश की जनता कि कमलनाथ जी के रूप में हमें ऐसा एक नुमाइंदा मिल जाए जो मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदले, क्योंकि जो जिस तरह की स्थिति आज मध्य प्रदेश में पैदा हुई है जो हमेशा के शांति के ताकू के रूप में विख्यात था, आज किस तरह की हालात हो गए हैं, किस तरह से चारों तरफ अराजकता का माहौल है, चारों तरफ लूटमार का माहौल है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला
वाला नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लाइट चली गई, मतलब आज अगर 4-6 बार लाइट चली जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या मध्य प्रदेश की राजधानी का ये हाल है, जहाँ जंगल राज है, लाइट नहीं, बारिश का समय चल रहा है, तो प्राकृतिक है में, ये आप समझ लीजिए। तो ये मैंने एक छोटी सी बात आपसे बोल रहा हूँ जो सामने अभी मेरे को दिखी, कि अगर 20 मिनट मैं आपके साथ 25 मिनट बैठा हूँ तो उसमें 15 मिनट के लिए लाइट चली गई, वो तो ठीक है, मेरे पास यहाँ व्यवस्था थी वैकल्पिक, तो ये आपसे बात नहीं चलती रही, लेकिन लाइट चली गई उसके बाद फिर मैं आपसे दोबारा चर्चा कर रहा हूँ। ये जो चीजें स्थिति है, जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जो दशानंद का चेहरा लेकर बैठी है भारतीय जनता पार्टी, कहती कुछ है बोल कुछ है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, कांग्रेस आरोप लगा रही, जवाब दे जी। जितनी योजना है हमने धरातल पे करी है, दूसरा ये कि अब डायरेक्ट पैसा अंतरित हो रहा है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, किसी का भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं है। हमें एक सवाल के जवाब में माननीय प्रियंका गांधी जी ने जवाब दिया था कि हम 100 रुपए बेचते हैं, 50 रुपए पोसते हैं और उसमें से ठेकेदार को भी देना पड़ता है, वो वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आप देखेंगे। उनके कार्यकर्ता ने जब पूछा था कुछ इस तरह की अगर वो योजनाएं बनाएंगे और केरल में और वहां जाके उन्होंने बोला 5% मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों को हम आरक्षण देंगे, क्या संविधान बदलेंगे? चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि प्रियंका गांधी के इस दौरे के बाद मध्य प्रदेश की ग्वालियर में कितनी मजबूती, सिंधिया के गढ़ में कितनी मजबूती कांग्रेस को मिल पाती है। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और मात का घात और प्रतिघात का राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV 24। संस्कृति का दर्पण, आध्यात्म की आरती, पूर्ण भारत भूमि, प्रणाम माँ भारती, और माँ भारती का हृदयेश हमारा मध्य प्रदेश। उत्सवों, समारोहों और संस्कृति की धरा मध्य प्रदेश, आस्थाओं के आलाप लिए सुरों से भरा मध्य प्रदेश, पूर्ण शिप्रा